का सरकार बनने जा रहा है देश में। ठीक है, मतलब देखिए कितना दिन चलता है, अब अकेले दम पर सरकार नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, अब देश में नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन कई सीटें राजद हारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के एमएलसी मास्टर कार्तिकेय हैं, उनसे बात करेंगे। कई जगहों पर घूमे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भूमियार को टिकट भी दिया गया, हालांकि वो सीट हार गई। लगातार आप कई जगह घूमे, क्या रहा माहौल? पहले बात करेंगे वैशाली का, क्या हुआ? देखिए वैशाली भी हम लोग गए, पाटलिपुत्रा भी गए, जहानाबाद भी गए, जहाँ जहाँ पार्टी हमको मतलब लगाई काम के लिए वहाँ वहाँ हम गए। जहाँ तक अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम लोग संपर्क किए, देखने से या बात करने से मतलब ऐसा लोग को समझाए तो समझने में मतलब समझाने में कामयाब रहे कि जो आरजेडी से दूरी है हम लोगों के समाज का, उसको हम लोग पाटने का प्रयास किए। जिसका उदाहरण आपका पाटलिपुत्रा देख लीजिए, आप जितना बूथ उठा लीजिए, भूमिहार का सब वोट, जहाँ मतलब वोट नहीं मिलता था हर जगह वोट मिला। और बहन मीसा भारती अच्छे वोटों से चुनाव जीती हैं। सवाल है कि वैशाली में भूमिहार को टिकट मिला, मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला, तब भी सीट नहीं निकाल पाए। देखिए अब वहाँ का डिटेल्स अभी हम लोगों को पता नहीं मिला है, तो बात करने से पता चलेगा कि कहाँ क्या चूक हुआ है। लेकिन और जगह जहाँ तक हम देखें कि हमारे समाज का भी वोट मतलब आरजेडी की तरफ गया है, इसमें कहीं इफर्ट नहीं है। वो ठीक है, लेकिन आप लोग जो लगातार कहते रहे थे कि इंडिया की सरकार बनेगी, इतनी सीटें जीतेंगे, मात्र 4 सीट पर चमट कर रह गया। इंडिया के 4 सीट आया है, आरजेडी को तो 4 सीट आया। पहले तो मात्र 1 सीट था, आज के डेट में 10 सीट है, तो बढ़ा कि घटा? पहला बात, इंडिया गठबंधन में पूरे देश में आइए तो 234 सीट आया है, ठीक है। और बीजेपी का या एनडीए का जितना सीट, बीजेपी का 303 सीट था, आज वो मतलब खुद 241 सीट पर मतलब अटक गया है। तो वोट परसेंटेज भी एनडीए का गिरा है, इंडिया गठबंधन का वोट परसेंटेज बढ़ा है। आप आंकड़ा 2019 का देख लीजिए और 2024 का देख लीजिए, लगभग 9.5% वोट मतलब एक्स्ट्रा हम लोगों को आया है। लेकिन सीटें तो आप लोग हारे ना, 4 ही सीट जीते, 23 सीट पर चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन की बात, आरजेडी की बात पूछ रहे हैं, आरजेडी तो 4 ही सीट जीती ना। तो 3-4 सीट तो आप देखिएगा तो कहीं 20,000 कहीं 18,000 कुछ कहीं कहीं मतलब ऐसा हुआ है, लेकिन मार्जिन बहुत मतलब घटा। पहले 3 लाख 4 लाख 2 लाख अढ़ाई लाख से लोग जीते थे, अभी क्या हुआ है मतलब मैंने 20-25-50-60-70 यही पर मतलब जीत हार हुआ है। परसेंटेज वोट हमारा कितना बढ़ा सो आप देखिए। तो क्या मतलब लगता है कि इंडिया की सरकार बनेगी, क्योंकि अब तो एनडीए का सरकार बनने जा रहा है देश में? ठीक है, मतलब देखिए कितना दिन चलता है, अब आप अकेले दम पर सरकार नहीं है, अब चलाने में तो दिक्कत होगा उनको, लेकिन देखिए कितना दिन चलता है। नीतीश कुमार ने आज फिर से एक बार प्रधानमंत्री का पैर छू दिया। देखिए इस पर हम कुछ नहीं बोला है, सीनियर लीडर हैं वो लोग, क्या मतलब आप देखे होंगे, हम भी नहीं देखे हैं। सीनियर लीडर हैं लेकिन पैर छू देना, बिहारी हैं, वही बताएंगे, उनसे पूछिएगा। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी एमएलसी मास्टर कार्तिकेय थे और तमाम सवालों का जवाब दिया उन्होंने। पुनीश पुनीशन के साथ नमस्कार।